हाँ तो क्लास 11th आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की पूरी कंप्लीट लेक्चर सीरीज राइट फ्रॉम चैप्टर 1 टू लास्ट चैप्टर। इस पूरे कोर्स की दोनों बुक्स को हम कवर करेंगे एक एक करके। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, इस चैप्टर को हमने लगभग 4-5 लेक्चर्स में डिवाइड कर रखा है, क्योंकि अगर आप अपनी एनसीईआरटी की बुक पे देखोगे तो इस पूरे चैप्टर में आपको कोई भी सब टॉपिक्स नहीं नजर आएंगे। ऐसे एक रफ हैंड पे ये पूरा चैप्टर लिखा हुआ है, बट फिर भी हमारी कोशिश है कि हम आपको सारे पूरे चैप्टर का ओवरव्यू समझा दें और हर एक टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन करें। पर हाँ, उससे पहले रुख करके मैं आपको एक चीज कंफर्म करना चाहता हूं कि अगर आपके पास टाइम कम है और आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 50-60 सेकंड की किसी एक शॉर्ट वीडियो में आपके पूरे ऐसे जादू की तरह सब कुछ एक्सप्लेन करके समझा दूं, तो किसी एक छोटे फैक्ट को हम डिस्कस तो नहीं यहाँ पर कर रहे हैं। अगर आपको कोई एक कॉन्सेप्ट समझना है तो यार थोड़ा सा पेशेंस तो दिखाना पड़ेगा ना। तो 8-10 मिनट का ये लेक्चर होने वाला है, कोशिश करेंगे शॉर्ट करने की, बट फिर भी चीजें टाइम लेकर के एक्सप्लेन होती हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। ध्यान रखना कि 11th क्लास में हमारे पास फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी इस लेक्चर में समझाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो आप मेरे साथ स्क्रीन पर बने रहेंगे। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू फिजिकल ज्योग्राफी। तो इसमें है क्या, मैं जितने भी यहां पर कीवर्ड्स हैं मैं मोटे मोटे वर्ड्स को एक्सप्लेन करूंगा। आप डिटेल में इस पूरी पीडीएफ फाइल को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के वहां पर इसको पूरा पढ़ सकते हो और हमसे डिस्कस भी कर सकते हो। तो बात आती है आवर सराउंडिंग्स की। ज्योग्राफी में हम अपनी आसपास की सराउंडिंग्स का हमारे पे क्या असर पड़ता है, किस तरह से हमारे आसपास के रीजन्स, हमारे एरियाज हमें किस तरह से कंट्रोल करते हैं, ये सब चीजें हम यहाँ पर पढ़ते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। ध्यान रखना जैसे जैसे इंसान डेवलप होता है, उसकी इवोल्यूशन होती है, हम लोग लैंड, वाटर और सॉइल को यूज करके अपने हिसाब से उसमें से फसलें उगाते हैं, या इन सारे रिसोर्सेज को हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग कुछ हद तक मॉडिफाई करके अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। समझा गी? तो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी हम अपने नेचुरल या फिर हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट को हम कुछ हद तक मॉडिफाई करके उसको अपने हिसाब से बनाते हैं। क्लियर? उसके बाद हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी को। ये हमारा सेकेंड सब टॉपिक है, मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट पे आओगे, ज्योग्राफी इनकम्पासेस अर्थ फिजिकल डाइवर्सिटी। अर्थ फिजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है अगर हम पूरी इंटायर अर्थ सरफेस को देखें ना, तो पूरी सरफेस के ऊपर आप किसी भी फिजिकल फीचर को देखो उसमें ना एक लॉट ऑफ वैरायटी आपको दिखेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम जंगल की बात करते हैं, फॉरेस्ट की बात करते हैं, ग्रासलैंड्स की बात करते हैं, माउंटेन्स की बात करते हैं, अर्थ के किसी एक पार्ट में आपको अलग तरह के पहाड़ दिखेंगे, अलग के किसी और पार्ट में आपको ना सेम वही पहाड़ किसी अलग तरह से दिखेंगे। उनकी कंपोजिशन अलग होगी, उनका स्ट्रक्चर, उनकी शेप, हर चीजें अलग होती हैं। तो ज्योग्राफी सिंपली गिव्स अस द आंसर बिहाइंड द रीजंस ऑफ दिस डाइवर्सिटी। हर चीज अलग क्यों होती है, उनके पीछे के कारण क्या है, उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी डेवलपमेंट कैसे है, उसकी कंपोजिशन क्या है, ये सब चीजें हमें फिजिकल ज्योग्राफी में पता लगती हैं। तो जैसे जैसे हम इस बुक में आगे बढ़ेंगे हमारे ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। उसके बाद आपको मैं बताऊं कि हमारी जो ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी टर्म को कॉइन किया था इराटोस्थनीस ने, एक बड़े फेमस ज्योग्राफर हुए हैं इराटोस्थनीस। ये नाम मेरे साथ लेकर के बताओगे आप लोग, इराटोस्थनीस, इस इंसान ने ज्योग्राफी टर्म को कॉइन किया था। इस चैप्टर में से मोस्टली एमसीक्यूज ही आते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत कम चांसेस रहते हैं यहां से आने के, इसलिए जो भी बीच में एमसीक्यूज आ रहे हैं आप सारे उनको ध्यान से पढ़ोगे और उनको मेमोराइज करने की कोशिश करोगे। ओके, अब बात आती है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। यहां पर जो डिसिप्लिन है इसका मतलब है एज अ सब्जेक्ट। जब हम ज्योग्राफी को एज अ फुल फ्लेज सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, तो ध्यान रखना यहां पर हमारे पास आती हैं, एक सेकंड, ज्योग्राफी में हम क्या क्या चीजें पढ़ते हैं, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो ज्योग्राफी के साथ इंटरलिंक्ड रहते हैं। जैसे इसकी
पहली बात तो 11th क्लास में हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, तो फिजिकल ज्योग्राफी में सारे क्या करेंगे, फिजिकल कंपोनेंट्स को यानी नेचुरल कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे। अब उसमें क्या है, इसकी फर्स्ट जो ब्रांच है वो है जियोलॉजी। जियोलॉजी में हम रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं, हमारी जो सरफेस है अर्थ की, इसकी जो रॉक्स हैं उनके कंपोजिशन हम कहाँ पढ़ते हैं, जियोलॉजी में। इसी तरह से स्पेसिफिक स्टडी ऑफ सॉइल, उसको कहते हैं पेडोलॉजी, सॉइल। उसके बाद ओशनोग्राफी है, स्टडी ऑफ ओशंस। बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। जूलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एनिमल्स। उसके बाद मेट्रोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर फिनोमेना, उसको हम कहते हैं मेट्रोलॉजी। समझ आ गया आपको। इसी तरह से जो ज्योग्राफी है ये बहुत सारी नेचुरल और सोशल साइंसेस के साथ इंटरलिंक्ड है। क्लियर, हम कोई भी सोशल साइंस पढ़ें, चाहे वो सोशोलॉजी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, हर एक का सब्जेक्ट मैटर आपको ज्योग्राफी में मिलेगा, क्योंकि हर एक चीज तो धरती के ऊपर ही हो रही है ना। तो कोई भी चीज जो धरती के ऊपर हो रही है, जो अर्थ सरफेस के ऊपर हैपन हो रही है, वो ना ज्योग्राफी के साथ जुड़ी हुई है। तो हम हर एक फीचर को, हर फैक्टर को ज्योग्राफी में कुछ हद तक पढ़ते हैं। इसी तरह से अगर हम फिजिकल साइंसेस की बात करें, तो चाहे वो जियोलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे सोशियोलॉजी हो, हर एक की रूट्स ज्योग्राफी के साथ जुड़ती है। ठीक है, तो इसी तरह से बात आती है स्टडी ऑफ ज्योग्राफी की। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का कुछ रीजन होता है, कुछ पर्पज होता है। तो हम ज्योग्राफी को क्यों पढ़ते हैं, हमारी कौन सी प्रॉब्लम जो है वो ज्योग्राफी सॉल्व करती है। तो पहली बात, स्पेशियल वेरिएशंस। मैंने आपको पहले समझा दिया कि रीजन वाइज आप किसी एक एरिया में देखोगे तो चीजें अलग तरह से होती हैं, वही चीजें किसी और एरिया में बड़ी अलग तरह से होती हैं। तो ये स्पेस के ऊपर वेरिएशंस क्यों आती हैं, चेंजेस क्यों आती हैं, इसके क्या कॉजेस हैं, क्या रीजंस हैं, वो सारी बातें हमें ज्योग्राफी से पता लगती हैं। और इसी तरह से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होती है, इंसान डेवलप होते हैं, एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं, तो वो चीजों को और ज्यादा पॉसिबल बनाने की कोशिश करते हैं और अपनी लाइफ को काफी ज्यादा कंफर्टेबल करते हैं, जैसे कि हम इंसानों ने किया है। अगर हम एंशियंट सिविलाइजेशन से लेकर के आज तक कंपेयर करेंगे, तो हमारी आज लाइफ काफी ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। इस लेक्चर में इतना ही, और आपको बताता चलूं कि अगर आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप इस पे जाकर के डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हो। आप किसी भी टॉपिक को लेकर के वहां पर डिस्कस कर सकते हो। और इसी तरह से ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम लिंक है, आप यहां पर जाकर के मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। और लास्ट नंबर पे ये हमारा यूट्यूब का ऑफिशियल लिंक है, आप यहां जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, अगर आपको सब कुछ ठीक ठाक लगता है तो। अगर कुछ सजेशंस हैं तो दे आर आल्सो मोस्ट वेलकम, आप कुछ भी सजेशन वहां पर पोस्ट कर सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।